अवलंबी हैं, दूसरी आस्था रखने वाले वो बाहर हो गए। भारत के ऋषियों ने इस बात को कब जाना, जहां से हमारी संस्कृति की यात्रा शुरू हुई, कह एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, और इतना नहीं कहा, उन्होंने डिफाइनिंग पॉइंट जो बनाया, बेसिस बनाया, परिभाषित करने के लिए, क्या चीज परिभाषित करती है भारतीय संस्कृति को, आत्मा। और ये आत्मा कौन है? ये आत्मा वो है, न जन्म लेती है न मरती है। तो अगर भारत की संस्कृति आत्मा से परिभाषित है, तो जैसे आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न उसे पानी भिगो सकता है न आग जला सकती है, तो भारतीय संस्कृति भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन वो जिंदा रहेगी उसके मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर भी। और इस ज्ञान परंपरा के सिलसिले में मैं अपने आप को खुद कहता हूं कि मुझे जो बहुत साल पहले मैंने 9वीं और 10वीं शताब्दी के अरब लेखकों ने इतिहास के ऊपर बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और उसमें मिथ भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, लेकिन एक चीज उसमें फर्स्ट चैप्टर में कॉमन है, चाहे आप तबरी को उठा लीजिए, चाहे आप इब्न खल्दून को उठा लीजिए, चाहे आप इब्न कसीर को उठा लीजिए, एक चीज कॉमन, और वो ये है, दुनिया में चार बड़ी संस्कृतियां हैं। ईरान अपने वैभव के लिए जाना जाता है, चीन अपनी दक्षता के लिए जाना जाता है, रोम अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, और भारत अपनी ज्ञान परंपरा के लिए जाना जाता है, अपनी ज्ञान परंपरा के लिए जाना जाता है। आज हमारे मार्केट में जो पंचतंत्र है वो ओरिजिनल नहीं, हमारा पंचतंत्र तो खो गया ओरिजिनल, हमारा पंचतंत्र तो कलीला वो दिमना होकर जो उसका अनुवाद हुआ पहले पर्शियन में और उसके बाद अरबी में, और ये ध्यान रखिएगा वो इस साहित्य को, जो साहित्य मॉरल्स मैनर्स एटिकेट सीखने के लिए होता है, उसे अरबी में अदब कहते हैं। मतलब कई कितने साल से, इस्लाम के पहले से, हालांकि तब पुस्तकें नहीं थी, तब ये पर्शिया में था, ईरान में, और ये अब्बासी सेकंड दूसरा जो अब्बासी खलीफा था मंसूर, उसके ज़माने में इब्ने मुकफ़ा ने उसको पंचतंत्र को उसी नाम से, कलीला व दिमना के नाम से, यानी तकरीबन अब से 1200 साल पहले अरबी में ये किताब छपी, और आज भी वो जो मैंने कहा कि मॉरल्स मैनर्स एटिकेट शिष्टाचार ये सीखने के लिए जो किताबें हैं उन्हें अदब कहते हैं, और आज भी वो दोनों इन मुल्कों में, ये जो कलीला व दिमना है ये टॉप पर है, मतलब ये अदब की जो टॉप मोस्ट किताबें हैं उसमें माना जाता है। इसी तरह एक इससे भी और इम्पोर्टेंट बात आपने अक्सर सुना होगा, वो भी इकबाल की ही नज़्म है हिंदुस्तान के बारे में, जिसमें है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। तो जब हम बच्चे थे और हमने ये पढ़ा, तो हमें लगा कि हिंदुस्तान बुनियादी तौर पे आध्यात्मिक देश, जब हम यूनिवर्सिटी में थे, और प्रॉफिट आध्यात्मिक थे तो इसलिए उन्हें हवा है, लेकिन जब उसका अरबी टेक्स्ट पढ़ा तो बिल्कुल क्लियर है, अजीदु रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मैं भारत भूमि से ज्ञान की शीतल हवा के झोंके आते हुए महसूस कर रहा हूं। मैं कोई 10, 11 या 12 साल पहले देवबंद में कुछ लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहां बोलते हुए मैंने कहा कि मैं आपसे पूछता हूं, आप यहां पे बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, क्या आपका और मेरा ये फर्ज नहीं है कि जिसके प्रति आपके दिल में बहुत आदर और सम्मान है और श्रद्धा है, वो अगर मदीने में बैठ के उस ज्ञान परंपरा की शीतल झोंकों को महसूस करते हैं, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उस ज्ञान परंपरा के बारे में जानने की कोशिश करूं और मैं उसको अजनबी ना समझूं। इनफैक्ट बहुत दफा मुझे बुलाया जाता था यहां दिल्ली में,
वर्मा साहब बेचारे अब नहीं रहे, एम एम वर्मा साहब आईआईसी में बहुत करते थे इंटरफेथ मीटिंग। लास्ट मीटिंग में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वर्मा साहब आज के बाद मैं आपके यहाँ नहीं आऊँगा। बहुत भले आदमी थे, अच्छा। बोले क्यों? मैंने कहा वर्मा साहब जिसे भी जो भी आता है वो अपनी अपनी परंपरा की तारीफ करके चला जाता है। अगर आपको इंटरफेथ मीटिंग करनी है तो मुझसे कहिए कि मैं सिखिज्म पर बोलूं, मुझसे कहिए मैं हिंदुइज्म पर बोलूं, किसी दूसरे, मैं अपनी परंपरा पे बोलूं तो मैं ना तो बुराई कर सकता अपनी अच्छाई करूंगा। तो सीखा क्या मैंने? अब भारत यहां पे जो विश्व गुरु की कल्पना है वो बिल्कुल साफ हो जाती है, जहां हमारे ऋषि कहते हैं एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अग्रज अनमना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वम आनवा। ऐसे भारत विश्वगुरु कोई पदवी थोड़ी है, ये तो भूमिका है। और वो भूमिका क्या है, हमारे ऋषि क्या कल्पना कर रहे हैं? ये ऐसा देश बनेगा जहां दुनिया के विभिन्न देशों के लोग अपनी परंपराओं का अध्ययन करने के लिए भारत में आएंगे। वही कल्पना थी। और मैं ज्ञान के सिलसिले में एक बात और कहते हुए खत्म कर रहा हूं कि ज्ञान में भी थोड़ा फर्क करना पड़ेगा। ये संस्कृति आत्मा से परिभाषित है, ये संस्कृति का को परिभाषित करने का कोई आधार नहीं है। भगवान राम जंगल को जा रहे हैं अगले दिन सुबह को, रात में लक्ष्मण जी का पारा चढ़ गया और पिता के लिए भी उन्होंने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। तो भगवान राम क्या कहते हैं उनसे? कहते हैं भाई तुम समझ रहे हो कि हमारे ऊपर मुसीबत आ गई इस फैसले, पिताजी के इस फैसले के कारण? मुसीबत तो शरीर पर आती है, आत्मा पर कोई मुसीबत नहीं आती। और मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं। ऐसा वो लोग कहते हैं जो अविद्या का शिकार होते हैं। मैं चैतन्य आत्मा हूं, दहो मिति या बुद्धिर्विद्ये सा फिर कीर्तता नाहम देहश्ची दात्मेर बुद्धि विद्येते धन्यते। हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है और आत्मा से परिभाषित होती है तो उसमें नैसर्गिक तौर पर वैभव पैदा होना ही, और वो दुनिया को रास्ता दिखा सकती है। चूंकि बाकी जो संस्कृतियां थी वो तो प्लूरलिस्टिक हुई हैं पिछले, ज्यादा से ज्यादा आप और बढ़ा लीजिए 100 साल मत कहिए, 200 साल बढ़ा लीजिए। हमने तो शुरुआत ही करी है विविधता की स्वीकार्यता और सम्मान के साथ, चूंकि वो नैसर्गिक नियम है, प्रकृति का नियम है। तो हमारी इसका दुआ करता हूँ कि मालिक करे कि हमारे दोस्त भाई ओम प्रकाश पांडे जी, जिनकी पहले भी पुस्तकों में मुझे मैं सम्मान मिला है कि मैं उसमें शामिल हूँ, कि उनकी ये किताब बड़े स्तर पर पढ़ी जाएगी और हम इससे कुछ सबक हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।